एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कुछ न्यू वीडियो होने वाला है, कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है आपको। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अन अमेजिंग फैक्ट्री के कुछ लहंगे और प्लस डिजाइनर पार्टी वियर रेडी टू वियर साड़ी का रिव्यू। अब बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, तो मैं कैसे पूरा नहीं करती कि दी अन अमेजिंग फैक्ट्री पर कुछ लहंगे हैं, डिजाइनर साड़ी, आप उनका रिव्यू शेयर करो। और फाइनली मैं खुद भी देखना चाहती थी यार, निकलते कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके सामने ही मैं खोलूंगी, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा, बस एक पैकेजिंग में मुझे मिला था, वहां से मैंने इसे खोला है। तो अब देखते हैं कैसे प्रोडक्ट्स हैं। वैसे मुझे देखने में तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और इनकी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, आज का आउटफिट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, साइड में क्लिप लगवा दूंगी, मीशो से परचेस किया है। नहीं देखी है ये वाली वीडियो, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट है, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। एंड मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, पार्टिसिपेट नहीं किया है यार, जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करो, प्राइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और मैं नहीं चाहती आप पार्टिसिपेट करने से रह जाओ, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला लहंगा मैं शेयर कर रही हूँ, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और सच में इतना ब्यूटीफुल मिला है मुझे। बस मैंने इसे अभी किट में से खोला है, इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। डार्क मरून कलर में है, जैसा कलर पिक्चर में दिया हुआ है, पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये वाला लहंगा मिलेगा। अब खोल के आपके सामने बता रही हूँ कैसा निकलता है, कैसा नहीं है, क्वालिटी कैसी है। तो लुक एट दिस, मतलब इसका चाहे पूरा एक ही डिजाइन में लहंगा है, पूरा लाइक पैटर्न पूरा सेम टू सेम है, लेकिन जब आप इसका पहने हुए देखोगे ना मॉडल को, इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैं तो चाहती थी यार ये वाले का लहंगे का रिव्यू तो आपके साथ मुझे शेयर करना ही है, बिकॉज मुझे इतना प्यारा लग रहा था, देखते ही कुछ अलग सा डिफरेंट लग रहा था। और कलर इतना प्यारा है, ब्राइड के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है, तो बहुत ही कम प्राइस में भी है। तो क्वालिटी आप देख लो, इस तरीके का आपको लहंगा मिल जाएगा। ये जॉर्जेट फैब्रिक में लहंगा मिलेगा, सेमी स्टिच है, एक साइड से खुला हुआ है, और ये आपके एक्सल डबल एक्सल साइज तक आराम से आ जाएगा, अप टू 44 इसका जो है वेस्ट साइज है। ये इन्होंने इस तरीके का लहंगा दिया हुआ है, पूरा लहंगा आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा काम किया हुआ है इसमें, इस सिल्वर थ्रेड से पूरा काम देखने को मिल जाएगा। और आप देख लो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बिल्कुल भी ऐसे काम है ना जो हट नहीं रहा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है। और यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड से भी काम किया है, मैरून थ्रेड से भी, तो पहनने के बाद काफी अच्छा लगेगा। सेमी स्टिच है, अंदर की साइड आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, कैनकैन देख लो आप, इतनी बड़ी बड़ी कैनकैन लगाई हुई है जिससे फ्लेयर काफी अच्छा आएगा। कैनकैन लगवाने की भी आपको जरूरत नहीं है इसमें। और अंदर की साइड इन्होंने साटिंग वाली लाइनिंग लगवाई हुई है। लेंथ है इसकी 44, और पहनने के बाद तो लुक तो बहुत ही प्यारा आने वाला है यार, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट है। कलर इतना प्यारा लग रहा है, ये मरून कलर के ऊपर ये सिल्वर का जो पूरा काम किया गया है ना, कुछ अलग सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये परचेज करना चाहती थी। और हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साइड में आप एक बार क्लिप देख लेना, काफी खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। तो ये है जो लहंगा मैंने पिक किया है। अब इसका ब्लाउज एंड दुपट्टा मैं आपको बताती हूँ एक बार। तो ब्लाउज है जो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा है। ओके, इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिलेगा, जब आप स्टिच करवाओगे ना यार, रियल में लुक काफी ब्यूटीफुल सा आने वाला है। पूरा आपको 1 मीटर के आसपास ब्लाउज देखने को मिलेगा, पूरा हैवी ब्लाउज है, सेम लहंगे वाला काम किया गया है। आप चाहो तो बिल्कुल इसे वैसे स्टिच करवा सकते हो, आप चाहो तो स्लीव भी बनवा सकते हो, इतना इनफ फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, लाइनिंग वगैरह के लिए भी दिया हुआ है, तो आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइस, एक्सल आपके डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगा, इतना इनफ फैब्रिक है। और क्वालिटी आप देख सकते हो काफी अच्छी है, दुपट्टा भी इन्होंने पूरा जॉर्जेट फैब्रिक का दिया हुआ है। एंड इस तरीके का आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, मरून कलर में दुपट्टा है पूरा, एंड पूरे पे आपको सेम ऐसा ही काम देखने को मिल जाएगा पूरे दुपट्टे में। लुक एट दिस, काफी अच्छा लग रहा है, पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, चौड़ाई भी काफी अच्छी है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया, जब मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा तो मुझे यार रेडी टू वेयर साड़ी का इतना अच्छा कलेक्शन देखने को मिला वहां पे, अभी तक मैंने देखा भी नहीं था कहीं और वेबसाइट पे, तो मैं चाहती थी अभी किसी ने शेयर भी नहीं किया, तो कुछ न्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए, आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने ये वाला भी पिक कर लिया है। एंड ये इस तरीके की पैकेजिंग में आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी। यार ये रेडी टू वेयर साड़ी है, किसी भी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, आपके घर में शादी है या फिर अभी किसी भी अकॉर्डिंग लेना चाहते हो ना, एक
लाइट वेट साड़ी है और बहुत ही सुंदर है। इस तरीके का आपको नीचे का वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा पूरा ब्लैक कलर में। लुक एट दिस, यहां से आपको इसे स्टिच करवाना पड़ेगा इस तरीके से। ये स्टिच हो जाएगा यानी कि ब्लैक कलर की आपको इसमें स्कर्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप इसे स्टिच करवा लीजिए। आपको सेम ही स्टिच देखने को मिलेगा, अंदर की साइड साटिंग की लाइनिंग दी हुई है। वेस्ट है इसकी अप टू 44 जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगी। जॉर्जेट फैब्रिक का है। अब यहाँ से पूरी साड़ी स्टार्ट होती है, आप इस तरीके से इसे ड्रैप कर सकते हो। ये पूरी आपको लाइनिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएगी। ये इन्होंने इसका आंचल दिया है, तो अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो आप साइड में मेरी फुल क्लिप देख लेना, तो उस तरीके से आपको इसे पहनना है। साइड में पिक्चर लगवा दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइनर साड़ी है, लाइट वेट है, अमेजिंग है, अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है, कुछ न्यू पैटर्न है, डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको साड़ी मिलेगी और इसके साथ इन्होंने ब्लाउज के लिए इस तरीके का इन्होंने टेफेटा सिल्क का पूरा 1 मीटर का फैब्रिक दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे भी स्टिच करवा सकते हो, ये आपके एक्स्ट्रा डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है ये वाला है ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर के लहंगा, एंड देखते हैं कैसा निकला है ये वाला लहंगा भी। ओके, तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। ये काफी अच्छा लहंगा है, नेवी ब्लू कलर में आपको सिल्क में लहंगा देखने को मिलेगा, टफेटा सिल्क में, एंड पूरे पे आपको इस तरीके की जरी वाला काम देखने को मिल जाएगा। जिन्हें हैवी लहंगा पसंद है, जरी के काम वाला प्रॉपर लहंगा चाहिए तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। नीचे की साइड आपको इसका मेन चीज है ना वो यही थी कि नीचे की साइड आपको इस तरीके के नेट के इसमें रफल्स दिए हुए हैं, लाइक इस तरीके की फ्रिल देखने को मिल जाएगी और पहनने के बाद लुक काफी अच्छा आएगा। इसमें अंदर इन्होंने कैन नहीं दी हुई है तो आपको इसमें कैन लगवानी पड़ेगी अगर आप इसमें प्रॉपर फ्लेयर चाहते हो। अंदर की साइड आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, तरीके का काम इसमें किया हुआ है जो कि काफी नीटली इन्होंने जरी का काम किया हुआ है सिल्वर जरी के थ्रेड से। अब जो इसमें ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है टेफेटा सिल्क का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है। ब्लाउज के लिए इन्होंने 3 फैब्रिक इसमें दिए हुए हैं, तो आप एक बार पिक्चर में देख लेना, जैसे आप स्टिच करवाना चाहो वैसे आप करा सकते हो। मे बी ये स्लीव्स के लिए है, ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है और ये बैक साइड के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है। तो इस तरीके का ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है, पूरा आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। अब जो ये लहंगे का कॉम्बिनेशन है वो है नेवी ब्लू के साथ स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, तो स्काई ब्लू कलर का इन्होंने दुपट्टा दिया है नेट का। एंड गाइस, इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पिंक कलर वाला लहंगा परचेज करना चाहते हो वो भी बाय कर सकते हो, वो भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड इस तरीके का आपको ये वाला नेट का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ आपको इस तरीके का बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है, प्लस ये जरी का काम किया हुआ है, बूटे बनाए हुए हैं। क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन मैं इस लहंगे को नहीं, आपको मैं उसी लहंगे को हाईली रिकमेंड करती हूँ, मैरून वाले को। अगर आप इनकी वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो वो वाला लहंगा तो यार डेफिनेटली बाय करना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी इस हॉल में थोड़ा यूनिक सा आउटफिट है और अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। जब मैंने इनकी वेबसाइट पर देखा मैंने सोचा यार ये आउटफिट ऐसे है जो अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, मैं आपके साथ इनका रिव्यू करना ही चाहती थी। तो ये है इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा, सेम स्काई ब्लू कलर की प्लाजो पैंट वाली है एंड रेडी टू वेयर साड़ी है, तो देखते हैं कैसी निकलती है। ये पूरी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके की आपको ओके तो यार इसमें आपको ब्लाउज भी स्टिच दिया हुआ है। लुक एट दिस ना, बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइनर ब्लाउज है एंड पूरा आपको स्टिच्ड मिल रहा है, तो आपको अलग से स्टिच करवाने की भी जरूरत नहीं है। पैडेड ब्लाउज है एंड पूरी आपको इस तरीके की नेक देखने को मिल जाएगी, बैक साइड आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा इस तरीके का, एंड ये पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी और जरी का काम दिया हुआ है। 3/4 इसमें आपको स्लीव देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा और ब्लाउज में आपको साइड में चेन देखने को मिल जाएगी। और इस ब्लाउज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके एक्सल डबल एक्सल साइज तक आराम से आ जाएगा और जिनके स्मॉल और एम भी आता है ना तो वो भी आराम से इसे ऑल्टर करा सकते हैं, साइड में से आराम से ऑल्टर हो जाएगा। तो ये ब्लाउज इन्होंने स्टिच दिया है, तो यार ब्लाउज की भी मतलब झंझट नहीं है करवाने का, बस लो और पहनो। अगर आपको 1-2 दिन बाद ही आपकी शादी है और वो चीज़ भी नहीं होगी आपके साथ कि आप ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ, मतलब अगर ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको सब कुछ रेडी मिल रहा है, बस आपको लेना है, बस इसे फिटिंग कराना है और पहनना है। तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आपको इस तरीके की प्लाजो पैंट देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक वाली जॉर्जेट फैब्रिक की है और इस
साइड में इन्होंने ड्रैप करने के लिए इस तरीके का दुपट्टा दिया हुआ है। तो आप साइड में पूरा प्रॉपर लुक देख लेना कैसा आता है। यहाँ पे आपको इस तरीके का काफी अच्छी लेंथ का जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। मे बी आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लिप एक बार जरूर से आप अच्छे से देख लेना कैसे क्या पहनना है, एक इमेज देख लेना, तो उस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो। ये आपको अटैच ही प्लाजो में देखने को मिलेगा दुपट्टा, जिसे आपको ड्रैप करना है चारों तरफ। तो ये है जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से परचेज किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने यहाँ से पिक किया वो है रेड कलर का लहंगा, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ना मेरे पास कि दी रेड कलर मैरून कलर के लहंगे शेयर करो जो ब्राइड के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट हो, दूसरे ऐसे लहंगे शेयर करो जो अफोर्डेबल प्राइस में हो ब्राइड के अकॉर्डिंग। तो ये वाला लहंगा भी आप ट्राई कर सकते हो, वो वाला लहंगा भी मैं आपके इसी पर्पज से लेके आएंगी। और ये वाला लहंगा भी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा, ये आपको पॉलिथीन में देखने को मिलेगा, इसमें आपको जिप कवर नहीं मिलेगा। एंड ये प्रॉपर आपको रेड कलर का लहंगा मिल जाएगा। वाओ, ये भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लहंगा है, ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा। पूरे पे आपको इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा, ये पूरा थ्रेड और इन्होंने जो है मोती का काम किया गया है। आपको पास से दिखा रही हूँ, मे बी आपको कैप्चर हो रहा होगा कैमरे में, दिख रहा होगा ये पूरा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड का काम किया हुआ है, प्लस यहाँ पे बीड्स लगाए हुए हैं रेड कलर के। एक सेकेंड, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, देखो अच्छे से इस तरीके के बीड्स लगाए हुए हैं। नीचे की साइड बस हल्का सा कैनवास लगाया हुआ है, कैनकैन इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो आपको फ्लेयर चाहिए तो आपको कैनकैन इसमें लगवाना पड़ेगा, तभी आप इसे पहन सकते हो। और इस तरीके की आपको इसमें वेस्ट देखने को मिल जाएगी जो है अप टू 42 एक्सल साइज तक आराम से आ जाएगी आपके। और फ्लेयर की मैं बात करती हूँ तो इसमें मरून वाले से कम ही फ्लेयर है, इतना फ्लेयर नहीं मिलेगा। मैरून वाले के फ्लेयर की बात करूं जो मैंने फर्स्ट लहंगा दिखाया है तो 4 मीटर के आसपास उसमें आपको फ्लेयर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको 3 मीटर के आसपास ही फ्लेयर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा, लेंथ है इसकी 44। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज। ब्लाउज के लिए इन्होंने इस तरीके का फैब्रिक दिया हुआ है, जॉर्जेट फैब्रिक ही दिया हुआ है। एंड ये इन्होंने फ्रंट के लिए ब्लाउज के लिए दिया हुआ है पूरा पूरा एम्ब्रॉयडेड, और सेम एज इट इज वही काम आपको देखने को मिल जाएगा जो लहंगे में है। ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है और प्लेन ब्लाउज के बैक के लिए इन्होंने प्लेन दिया हुआ है फैब्रिक। तो टोटल मिला के 90 सेंटीमीटर के आसपास फैब्रिक है जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। और इन्होंने इसके लिए दुपट्टा भी दिया हुआ है, ये आपको नेट का दुपट्टा देखने को मिलेगा पूरा 2.25 मीटर का। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के बीड्स लगाए हुए हैं, बॉर्डर इस तरीके का है, छोटा छोटा बीच बीड काम भी किया हुआ है। तो इस तरीके का आपको 2.25 मीटर का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। ये पूरा लहंगा है ना जो पूरा पर्ल वाला लहंगा है, तो अगर आपको पर्ल लहंगा पसंद है या फिर पूरा एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पसंद है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। सिंगल कलर में आपको ये लहंगा मिल रहा है, प्रॉपर रेड कलर, कोई भी और कलर भी मिक्स नहीं है। तो ये वाला लहंगा आप बाय कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा है जो फ्लेयर कम लग रहा है मुझे, वो कैन कैन लगवाने के बाद मे बी सही सेट हो जाएगा। तो ये है जो लास्ट वाला लहंगा मैंने यहाँ से पिक किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा, और मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है यार। और अगर आपको पसंद आया है आज का कलेक्शन या फिर आप यहाँ से और कलेक्शन देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यार इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा आउटफिट कौन सा लगा, कौन सा फेवरेट है, कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतने ज्यादा मेरे व्यूज बढ़ेंगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे भी लगेगा यार आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो यार लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।